है तो नंबर सिस्टम में ये हम कुछ मेन मेन कॉन्सेप्ट्स करते हैं अगर आपने ये कॉन्सेप्ट्स नहीं किए हैं सो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर बिगेनर्स राइट तो जिन्होंने अभी नंबर सिस्टम का बेसिक नहीं किया वो ना करें दिस इज़ ओनली फॉर एक्सपर्ट लेवल सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स नेचुरल नंबर होल नंबर रैशनल इैशनल देन प्राइम नंबर एंड डिविजिबिलिटी रूल्स दिस शुड बी देर फैक्टर्स सम ऑफ फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स दिस शुड बी क्लियर टू यू एल सी एम एस एच सी एफ एप्लीकेशन समूल्स ऑफ एल सी एम एंड एच सी एफ नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट, रिमेंडर हाइस्ट पावर नंबर ऑफ़ जीरोज़ सम स्पेशल केसेज दैट यू शुड हैव डन ड्यूरिंग योर कोचिंग और फ्रॉम एनी सोर्स फ्राम यू हैव स्टडीड तो भाई ये जो है पहले होगा तो ज़्यादा बेटर होगा अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है वीडियो में ठीक है और इसीलिए एडवाइस है अगर आपने पहले नंबर सिस्टम बेसिक्स नहीं किया है प्लीज़ आप पहले वो कर लीजिए अदरवाइज हो सकता है आप आ, आ, को ये थोड़ा वीडियो थोड़ा कम समझ आए राइट सो स्टार्ट करते हैं आ, थोड़ा ध्यान से करेंगे सब लोग राइट और कैट हर दिन पास में आ रहा है तो आपकी हार्ट बीट भी बढ़ रही होगी सो हेयर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन यू मे पॉज वीडियो एंड मे सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन विल रिज्यूम बैक सो ये क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है लेट अस सॉल्व इट आई होप अब तक आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा क्या कह रहा है क्वेश्चन सौ क्वेश्चन है कैट कुमार के लिए और इन सौ क्वेश्चन में तो वो भाई को प्लस तीन मिले हैं सही करने के माइनस वन मिलेगा नेगेटिव करने का तो इसका पहला जो आंसर बहुत क्विक आंसर लोग देते हैं कि भाई साहब तीन सौ होंगे और माइनस सौ मिनिमम होंगे तो यार आंसर आ गया चार सौ ठीक है तो आप ध्यान दीजिए चार सौ आंसर सही नहीं है क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे क्यों क्योंकि एक स्कोर है ज़ीरो वो भी आ सकता है बहुत सारे तरीके से आ सकता है तो वो भी एक ऑप्शन है और हमारे पास ऐसा भी है कि कोई पेनल्टी भी नहीं है अगर बंदा नहीं करेगा तो बेस्ट केस हो सकता है वो सारे के सारे कर दे और वर्स्ट केस हो सकता है कि वो सारे के सारे गलत कर दे तो हाईएस्ट मार्क्स उसके 300 बनेंगे इसमें कोई डाउट नहीं है लोएस्ट मार्क्स किसी के भी माइनस हंड्रेड बनेंगे इसमें भी कोई डाउट नहीं है बट ये जो हमारा चार सौ का आंसर था ये सही नहीं है क्योंकि हमसे पूछा गया है कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं ऑब्वियसली क्योंकि मेरा स्कोरिंग और नेगेटिव इंटीजर में है तो मेरा आंसर भी इंटीजर में आएगा पर हम ये नहीं कह सकते कि यार ये वाली जो वैल्यू है ये चार सौ आएगी क्योंकि ज़ीरो भी ले लेंगे तो हमारा आंसर बन गया चार सौ एक बट यहाँ पर यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ है क्या गड़बड़ है वो हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा तो अगर आपने ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है तो शायद आप इसको पकड़ पाएं अदरवाइज आप देखिए कि अगर मैं सौ क्वेश्चन सही करता हूँ तो मेरा नंबर बनते हैं तीन पर अगर मैं नाइन्टी क्वेश्चन सही करता हूँ इसमें मेरी दो ऑप्शन बन सकती है या तो मैं एक क्वेश्चन गलत करूँगा या एक क्वेश्चन नहीं करूंगा मतलब ज़ीरो गलत करूंगा तो अगर नाइन्टी नाइन ठीक किए और एक गलत कर दिया तो मेरे मार्क्स हो गए भाई टू नाइन्टी सिक्स वाट एट और नाइन्टी नाइन अगर हमने किए और एक गलत हो गया Uh, कोई भी गलत नहीं हुआ एक मैंने क्वेश्चन किया नहीं तो मेरे मार्क्स बनेंगे टू नाइन्टी सेवन तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि भाई मेरे टू नाइन्टी एट और टू नाइन्टी नाइन ये किसी भी हालत में नहीं बन सकते राइट right? अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिबल स्कोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिबल स्कोर तो टू नाइन्टी नाइन इज नॉट फिजिबल टू नाइन्टी एट इज़ नॉट फिजिबल इसके अलावा भी कोई नंबर है क्या अस सी 98 अगर हम करेंगे तो भाई मेरा क्या होगा जीरो गलत हो सकता है एक गलत हो सकता है दो गलत हो सकते हैं अगर मेरा ज़ीरो गलत हुआ तो मेरे नंबर हो गए टू ठीक है जी तीन से गुना करेंगे और अगर एक गलत हुआ टू और अगर कोई भी गलत नहीं हुआ टू और अगर 97 ठीक है तो मेरे नंबर बन गए 291 और अकॉर्डिंगली हम उसमें से नेगेटिव माइनस कर देंगे तो यहाँ से तो चेंज चल रही है भाई तो पच्चीस टू नाइनटी फाइव भी नहीं आया टू नाइन्टी फाइव चला गया बेटा टू नाइन्टी नाइन चला गया टू नाइन्टी एट चला गया तो इसमें से तीन नंबर माइनस कर देंगे तो जो बेस्ट आंसर इसका आ रहा है वो थ्री नाइन्टी एट पॉसिबल वैल्यूज आर देयर आई होप एवरी वन इज क्लियर विद दिस आंसर एंड विद दिस वैल्यूज राइट सो दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोबारा अगर आपको देखना है आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं ठीक है तो आ, दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसमें जो हमने कॉन्सेप्ट लगा है वो ये है कि भाई जो हाईएस्ट वैल्यू है वो बनेगी बट जब हम उससे नीचे आ जाएंगे तो चार का गैप पड़ जाएगा सभी वैल्यूज हम बना नहीं सकते हैं कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर कैट में एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है अरे भाई कैट में क्वेश्चन चार नंबर का होता है तीन नंबर का नहीं क्योंकि अगर एक गलत हो गया तो एक चला भी तो जाएगा ना

अनअटैम्प्ट uh, करते हैं तो भी कुछ नेगेटिव होता है खैर उस डिटेल का क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं बट ये भी काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जिसमें यूजली आंसर या तो लोग 400 देते हैं या उसके बाद फिर वो 401 देते हैं बट 398 तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं कुछ लोग ये दोनों भी पकड़ लेते हैं और 399 आंसर दे देते हैं बट इसका जो आंसर है वो 398 आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा लास्ट थ्री डिजिट ये कुछ बच्चे जब हम क्लास में लास्ट टू डिजिट और सिंगल डिजिट का क्वेश्चन करते हैं तो पूछते हैं कि सर अगर थ्री डिजिट आ जाए तो क्या होगा तो थ्री डिजिट का ये क्वेश्चन है आपके सामने वीडियो को पॉज कीजिए एक दो मिनट का ब्रेक तीन चार मिनट जितने भी लगते हैं आप इसको ट्राई कीजिए जो जो भी आपको फंडे आते हैं जो मेथड आते हैं चाइना वाली थ्योरम लगानी है इंग्लैंड वाली थ्योरम लगानी है उसको लगा के देखिए एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर थोड़ा थोड़ा मैं हिंट भी दे रहा हूं आपको राइट के जो ट्वेंटी फाइव है इसका एक सीरीज बनेगा सिक्सटी थ्री का सीरीज बनेगा बनाइए और ट्राई टू तो फाइंड द आंसर। अगर आपने दोबारा से वीडियो स्टार्ट किया है तो देखिए ये क्वेश्चन जो है हम बहुत तरीके से कर सकते हैं एक अप्रोच तो ये है कि हम इसका लास्ट डिजिट पता कर ले और दूसरा अप्रोच है कि हम इसका भी लास्ट थ्री डिजिट पता कर ले फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और आंसर निकाल लें पर ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि लास्ट थ्री डिजिट का कैलकुलेशन थोड़ा डाइसी रहता है बट हमारा जो एक ऑब्जर्वेशन आता है कि यार ये सिक्सटी थ्री ही क्यों है सिक्सटी थ्री में क्या खास बात है यहाँ भी सिक्सटी थ्री है और ये ट्वेंटी फाइव में क्या खास बात है तो हमें पता लगता है कि यार सिक्सटी थ्री जो है ये सिक्सटी फोर माइनस वन लिखा जा सकता है सो इफ आई राइट इट एज सिक्सटी फोर माइनस वन रेज टू पावर ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई फाइव रेस टू पावर वन ट्वेंटी सिक्स ठीक है जी फाइव रेस टू पावर वन ट्वेंटी सिक्स अगर आप देखेंगे फाइव की पावर कैसे चलती है पांच पच्चीस एक सौ पच्चीस छ सौ पच्चीस इकतीस सौ पच्चीस और इसके बाद पंद्रह छः सौ पच्चीस तो लास्ट थ्री डिजिट अगर हम देखेंगे जब जब भी मेरा पावर इवन होगा जब जब भी मेरा पावर इवन होगा तो लास्ट थ्री डिजिट बेटा जी क्या हो जाएंगे छः सौ पच्चीस तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो छः सौ पच्चीस आएगा अब है कि इसके लास्ट थ्री डिजिट अब इसमें थोड़ा सा अगर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन का कहानी सुनेंगे तो देखिए सभी टर्म्स क्या होंगी बेटा सिक्सटी फोर की पावर एन प्लस सिक्सटी फोर की पावर एन माइनस वन प्लस 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 लास्ट में एक टर्म रह जाएगी जो कि माइनस वाली होगी क्योंकि यहां माइनस ट्वेंटी फाइव है तो माइनस वन की पावर ट्वेंटी फाइव राइट विच इज वन ओनली सो हेयर यू हैव सिक्सटी फोर एंड ऑल टर्म्स आर मल्टीप्लसटी फोर सिक्सटी फोर इज नथिंग बट टू रेज टू पावर एट तो अगर हम देखेंगे तो जितनी भी ये पावर्स हैं देखिए ध्यान से देखिए जितनी भी ये पावर्स हैं इसको जब फाइव की बहुत सारी बड़ी पावर से गुना किया जाएगा तो ये बहुत सारी ज़ीरोज़ दे देंगे मेरे को एंड पे क्योंकि हमें तो लास्ट थ्री डिजिट ही चाहिए तो मेरे पास चार जीरो भी आ गई मेरा काम चल गया माइनस ये जो वन है जब इसको 625 से गुना किया जाएगा तो माइनस छः तो आंसर विल बी थ्री सेवेंटी आई होप इट इज़ क्लियर टू यू द आंसर इज़ 375. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जैसे दिवाली में छोटा बॉम्ब रहता है दिखने में छोटा रहता है धमाका बड़ा होता है तो ऐसा ये क्वेश्चन है जिसमें आप ट्रैप में फंस जाएंगे क्योंकि ये वाला पार्ट तो आप यार बहुत जल्दी निकाल लेंगे फटाफट फटाफट फटा आपका ये वाला आइडिया हो जाएगा आपको बट जब सिक्सटी थ्री का लास्ट थ्री डिजिट निकालेंगे तो इसमें आपको काफ़ी समय लगने के चांस है क्योंकि आप थ्री इंटू करके भी अप्रोच कर सकते हैं बट अगेन काफ़ी लंबा जाएगा ये अगर ऐसे करेंगे तो आई होप दिस इज क्लियर ठीक है भाई लोग कैट में डरना नहीं है क्योंकि देखो अगर आपको आ, पिछले सालों का ट्रेंड देखेंगे अगर आपको 95 फाइव परसेंटाइज चाहिए तो पंद्रह क्वेश्चन अगर आप कर देते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाती है राइट कोई आपको 35 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है यानी और 34 फोर से ज़्यादा तो कर भी नहीं सकते तो 34 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है 95 फाइव परसेंटाइज लेने के लिए एंड 95 फाइव परसेंटाइज इज़ ए गुड परसेंटाइज इन क्वांट इफ यू आर नो एवरेज ऑन क्वांट राइट और अगर हाँ आप इंजीनियर हैं और आपका क्वांट बहुत अच्छा है मैं तो भाई जरूर आप 20-25 क्वेश्चन का टारगेट कर सकते हैं ठीक है तो जो लोग आ, आ, थोड़ा क्वांट में वीक हैं वो प्लीज़ डरना मत ये देख के यार के कैसे क्वेश्चन आ गए ये निकल ही नहीं रहे हैं ठीक है ऐसे सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं बट विद स्ट्रेटजी विद टेक्निक वो भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आई होप इट इज क्लियर टू एवरी फिर भी कुछ रह जाता है तो आप आ, जो मेरी वीडियो है उसके नीचे जो ऑप्शन रहता है कमेंट करने का उसमें आप आ, कमेंट या जो भी फीडबैक होता है उसमें लिख सकते हैं आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज डिजिटल मल्टीप्लाइजेशन का क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है प्लीज ट्राई इट आउट ओके वेलकम बैक कुछ लोगों को तो ये ही नहीं पता चलता यार कि ये क्वेश्चन में करना क्या है करना कुछ नहीं है भाई ये एक फाइव डिजिट नंबर है जिसको चार से गुना किया गया एक फाइव डिजिट नंबर दोबारा आपके पास प्रकट हो गया तो भाई जो अगर फाइव डिजिट नंबर को फाइव डिजिट से किया तो ऑब्वियसली ए हैज टू बी आईधर वन और टू इससे ज़्यादा ए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ए है मेरे पास जो कि चार से मल्टीप्लाई करने के बाद आया है तो बेटा लोग ए जो आएगा वो टू ही आएगा टू से कम नहीं आ सकता अगर ए टू आ गया तो चार से गुना करेंगे तो जो ई e आएगा वो या तो एट आएगा या नाइन आएगा क्योंकि अगर ई e नाइन आएगा तो नौ चौके बत्तीस तो ये टू आ जाएगा तो इसीलिए नॉन आठ uh, नहीं नॉ नहीं आ सकता तो आठ ही आएगा क्योंकि एट इन फोर दैट इज थर्टी टू एंड यू गेट ए थ्री एस कैरी नाउ क्वेश्चन कम्स विद इफ यू आर हैविंग एट ओवर हेयर राइट सो हेयर इट कैन नॉट बी टू बिकॉज टू इज ऑलरेडी टेकन इट कैन नॉट बी थ्री Because if it will be 3, so your answer will go to 92 so 9200, so it will be 1. So if it is 1, so you see here your b is going to be 1. Right? How you get b as 1? Right. If you multiply it by 1, so you, you will get some answer. Let's say b is 1. But how you can get 1 after multiplying it by 4 and adding 3. So it should be 8 before multiplying. आठ भाई कैसे आता है या तो दो से आता है या सात से आता है दो तो हमारा ऑक्युपाइड है तो दो ऑक्युपाइड है तो आंसर जो आएगा वो हमारा वो सेवन आ जाएगा यहाँ पे तो सेवन इंटू फोर ये आ गया आपका यहाँ पे थर्टी एट ट्वेंटी एट प्लस थ्री थर्टी वन थ्री मेरे पास फिर कैरी आ गया तो कौन सा नंबर है जिसको चार से गुना करें और तीन ऐड करें वापिस वही नंबर आ जाए तो ये आंसर आएगा नाइन क्योंकि नाइन इंटू फोर थर्टी सिक्स प्लस थ्री एनी ऑप्शंस ऑप्शन में नहीं दिया है तो आंसर शुड बी नाइन आंसर शुड बी नाइन राइट तो टीटा वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है तो ये थोड़ा प्रॉब्लम था ये टाइपिंग एरर है कुछ तो आंसर शुड बी नाइन सो सी का वैल्यू नाइन है जरूरी नहीं है कि वो आपको सी का ही वैल्यू पूछेगा वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का भी वैल्यू पूछ सकता है राइट right? वो इस नंबर का कुछ भी करके पूछ सकता है वो ए और ई e का डिफरेंस भी पूछ सकता है ए सी और डी का सम भी पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से बेसिकली हमें सॉल्व करना होता है और पॉइंट क्या समझने वाला है कई बार क्या होता है कि यार सारे के सारे लेटर्स नहीं निकलते कुछ निकल जाते हैं और जो उसने पूछा होता है वो सम हो निकल रहा होता है और साथ में वो एक ऑप्शन देता है कैन नॉट बी डिटरमेंट तो वहाँ पर बेटा लोग थोड़ा ध्यान से रहना है राइट वहाँ पर क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है ठीक है भाई लोग आगे चलते हैं ये क्वेश्चन देख के थोड़ी दिल को शांति हुई होगी क्योंकि जैसे ही आपका रिमाइंडर का क्वेश्चन आता है आपको समझ आ जाता है कि भाई हमें ए प्लस बी रेस्ट टू पावर एन डिवाइडेड बाई ए गिव्स रिमाइंडर बी रेस्ट टू पावर एन वाला फंडा लगाना होगा राइट तो उसी तरीके से करेंगे ट्राई इट आउट आई होप मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन तो कैट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत लोग कर सकते हैं टेंशन नहीं लेना बड़े आराम से हो जाएगा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं तो भाई इसको टू रेज टू पावर ट्वेल्व रेस टू पावर थर्टीन लिख लेंगे सो so, टू की पावर को हम लिखेंगे टू का नियरेस्ट बनेगा हमारा एट सो एट रेज टू पावर जो है ये थ्री है तो फोर और इसके ऊपर जो पावर है हमारी कुछ 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 हो रही है तो जैसे ही यहाँ पे मेरा इवन नंबर रह रहा है ये पावर मेरे को मैटर करती नहीं है क्योंकि एट जब हम नाइन से डिवाइड करेंगे ये हमें माइनस वन और इसकी पावर है इवन तो दिस आंसर विल गिव मी वन

एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर के नंबर ऑफ जीरो एक सौ छब्बीस फैक्टोरियल में से एक सौ पच्चीस फैक्टोरियल माइनस करेंगे कितनी जीरो इस क्वेश्चन का एक क्लू है कि ये एक सौ पच्चीस और एक सौ छब्बीस ही क्यों दिया हुआ है ये पकड़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा लडस टू दिस क्वेश्चन एक सौ पच्चीस फैक्टोरियल को बेटा कॉमन ले लो पीछे क्या बच गया एक सौ छब्बीस माइनस एक Which वन ट्वेंटी फाइव ठीक है कुछ लोग तो क्या करते हैं कि एक सौ छब्बीस में से जीरो निकाल लेते हैं कैसे करते होते हैं हम एक सौ छब्बीस डिवाइड किया कितने पे पाँच पे गया पच्चीस आ गया फिर पाँच पे गया आपका आ गया पाँच फिर पाँच पे गया एक आ गया सबको पता होगा ये तो ये वाला जो सम है ये हमारा सम बन जाएगा भाई थर्टी वन सो थर्टी वन इधर आ गई थर्टी वन इधर आ गई बंदा देख रहा है क्या करें अब नहीं ये yes सही नहीं आएगा थर्टी वन जीरोज यहाँ आ गई और ये वाला मेरे को तीन जीरोज और दे देगा क्योंकि टू तो हमारे पास प्लेंटी में है सो दैट्स ट्राई वी विल हैव थर्टी फोर एज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और जिन लोगों का चौंतीस आया था भले भले है वेरी गुड आपने निकाला राइट right? और जो लोग थर्टी वन पे अटके हुए थे जिनको समझ नहीं आ रहा था क्या प्लीज़ फॉलो दिस वीडियो राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब चलो नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ फिफ्टीन फैक्टोरियल पंद्रह फैक्टोरियल के कितने फैक्टर्स होंगे ध्यान से देखना बेटा पंद्रह फैक्टोरियल है मजेदार क्वेश्चन है ये पूरा छोटे छोटे क्वेश्चन डाले हैं आज मैंने टीटा में बहुत मजा आएगा अगर आप ये करेंगे देखिए हमें देखना है कि नंबर ऑफ़ डिविजर्स कितने हैं नंबर ऑफ़ डिविजर मतलब कि अगर मैं पंद्रह फैक्टोरियल को ए इं टू बी इंटू सी इंटू टक 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 इनकी पावर एम एन और ओ में लिख सकता हूँ और इनकी आगे आगे चलता रहेगा तो प्लस वन प्लस वन प्लस वन करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आ जाएंगे मेरे बट ये ए क्या है ए इज़ द पावर ऑफ़ प्राइम नंबर्स सो हम देखेंगे भाई पंद्रह फैक्टोरियल में टू की पावर कितनी आती है ठीक है भाई पंद्रह फैक्टोरियल में टू की पावर कितनी आती है पंद्रह फैक्टोरियल में टू की पावर क्या आएगी पंद्रह फैक्टोरियल में आ गया सेवन और उसके बाद थ्री फिर वन इलेवन आ गई सो टू रेज टू पावर इलेवन थ्री की पावर कितनी आएगी पंद्रह फैक्टोरियल में थ्री की पावर देखते हैं पाँच और इसको हमने डिवाइड किया पंद्रह पे पंद्रह को तीन पे डिवाइड किया पाँच आ गया और फिर तीन पे डिवाइड किया दो आ गया एक आ गया तो पाँच और एक छः आ गई पंद्रह पे पाँच आ गया फिर एक आ गया पाँच और एक गई इसमें तीन की पावर आ गई छ इनटू करते हैं बेटा इनटू किससे करेंगे चार की पावर देखने की जरूरत नहीं क्योंकि टू आ गया पंद्रह में हम देखेंगे पाँच की पावर पंद्रह में पाँच की पावर देखिए तीन तीन ही आ गया पाँच की पावर तीन पंद्रह में सात की पावर दो पंद्रह में नौ दस ग्यारह की पावर एक पंद्रह में तेरह की पावर एक दैट्स इट तो अब इसकी जो पावर्स हैं इसमें एक एक बढ़ा देंगे ट्वेल्व इंटू सेवन इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू टू टू इंटू टू फोर फोर इंटू फोर सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू थ्री फोर्टी एट सो इट इज़ फोर्टी एट इंटू एटी फोर सो दिस मल्टीप्लीकेशन गिव यू ज़ीरो ज़ीरो टू थ्री 4032 should be the answer right बहुत छोटा सा क्वेश्चन था बट लेंथी क्वेश्चन था थोड़ा स्ट्रेटजी के साथ करने वाला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में आप समझ लीजिए पांच छह आपके क्वेश्चंस जो हैं यूज हो गए फोर जीरो थ्री टू जो आपका आंसर आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट वन इनका एच पता करना है अगेन टीटा टाइप क्वेश्चन है तो करना ही पड़ेगा भाई ऑप्शन से नहीं कर सकते अब टू रेस्टू पर सिक्सटी फाइव कौन निकालेगा नहीं भैया हमारा एक फंडा होता है वो क्या कहता है ए टू पर एन माइनस बी रेस्ट टू पर एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय ए माइनस बी राइट सो ये वाला फैक्टर हो गया ए टू पर एन प्लस बी टू पर एन इज डिविजिबल बाय ए प्लस बी वैन एन इज ऑड वैन एन इज ऑड

minus 1 cdvz loga which is 31. so hcf is your 31. so 31 is a common factor which will be there because the other number there will be nothing common in that right whatever you will get after that uh, whatever will be there that will be 2 raised to power 13 minus 1 and uh, 2 raised to power 7 minus 1. there shall be nothing common in between these numbers right now we have to but check it because 2 raised to power 7 is how much? 128 minus 1. 128 minus 1 gives me 127. And this value is 2 raised to power 8 is 8192, I think, because it is 4096 into 2, uh, 2 uh, 9, 8192 so 8191 i can further check by applying this because 127 doesn't seem to be a factor of any number this seems to me a prime number because uh, it is not divisible by any of the uh, numbers so it is a prime number 127 if 127 is a prime number this again is going to be you know not divisible by 1 but we can have anyway check it whether it is divisible or not so answer we will mark it as 31 in case it is divisible we can write it. But because this is three raised to power thirteen minus this, this should not be divisible, right? Because it is a raised to power n minus b raised to power n will be divisible by only a number which is factor of that, right? So let us go to the next number, next question. ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है मजा आएगा आपको ये क्वेश्चन करके ट्राई कीजिए और आंसर लिखिए देखिए बेटा के जो नंबर है उसमें जितनी ज़ीरोज़ हैं के के नेक्स्ट वाले नंबर में जीरोज में तीन का इजाफा हो जाता है ठीक है के यार मेरे पास अगर नंबर है बीस तो बीस में अगर मेरी जीरोज़ पाँच आ रही है मान लीजिए बीस फैक्टोरियल में तो इक्कीस फैक्टोरियल में, में मेरे पास आठ आ जाएंगे सो मेरे को सीधा सीधा तीन जीरोज़ का बेनिफिट हो रहा है राइट एन प्लस थ्री जीरोज तो इसका मतलब हो गया ये वाले नंबर में पांच की पावर तीन आना ही चाहिए सो वन ट्वेंटी इट्स ए थ्री डिजिट नंबर सो ऑल थ्री डिजिट मल्टीपल ऑफ ट्वेंटी फाइव के भाई कितने मल्टीपल होते हैं बिकॉज इट इज थ्री डिजिट नंबर के इज ए थ्री डिजिट नंबर सो वन ट्वेंटी फाइव के कितने मल्टीपल होते हैं आठ होते हैं ना भाई आठ होते हैं ना आठ होते हैं देख लो आठ होते हैं या सात ही होंगे सात ही होंगे आठवां तो ट्रिपल जीरो हो जाएगा ट्रिपल जीरो विल नॉट रिमेन ए थ्री डिजिट नंबर भैया सात आएगा आंसर ध्यान से करो आ, आठ नहीं आएगा अब कुछ लोग सात लगा के बहुत खुश हो रहे होंगे मैं आपको बता दूं सात भी गलत आंसर है इसमें सर अब ये सात गलत क्यों हो गया ध्यान से देखो आठ तो गलत था ही क्यों गलत था क्योंकि ट्रिपल जीरो जो है वो आंसर नहीं बनेगा राइट ट्रिपल जीरो आंसर नहीं बना तो भाई सेवन आंसर बनेगा सेवन आंसर क्यों बनेगा क्योंकि ट्रिपल जीरो छोड़ दिया सात मल्टीपल आ जाएंगे नहीं बेटा जी छः सौ पच्चीस जो है इसमें हमारे चार आ जाते हैं तो इसको भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा तो मेरा आंसर बनेगा सो देयर विल बी सिक्स नंबर मल्टीपल सिक्स नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ वन ट्वेंटी फाइव विच विल गिव मी सच आंसर राइट पर अगर हम देखें जो k है वो थ्री डिजिट नंबर है तो ये जो 125 है ये k प्लस वन है तो मेरा आंसर वापस आ जाएगा k प्लस वन सेवन ठीक है ध्यान से देखिए क्योंकि मेरे को k फैक्टोरियल की वैल्यू पूछेगी यहाँ पे राइट सो so, k की वैल्यू जो है वो हमारी होगी 124 सौ चौबीस एवरी थिंग वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव एन माइनस वन इज द वैल्यू ऑफ के बिकॉज माई के प्ल वन हैज़ टू बी के प्लस वन हैज़ टू बी ए फैक्टर ऑफ वन ट्वेंटी फाइव तो बेटा सेवन ही आंसर आएगा ठीक है हाँ कई लोगों का क्या है कि ऊपर से गलती से ले लिया नीचे से गलती ले लिया तो क्या चल गया बट यू शुड कंसिडर बोथ द फैक्टर्स राइट तो दिस वॉज ए गुड क्वेश्चन राइट प्लीज़ कीप इट इन माइंड वट इज द वट इज बींग आस्ट के पूछा गया है के नेक्स्ट वाली वैली पूछी गई है ठीक है और ऐसा भी दे सकते थे uh, हैज एन ऑफ़ ऑफ़ नंबर यहाँ पे एन माइनस वन के माइनस वन दिया जा सकता था आपको यहाँ पे और यहाँ पे आपको पूछ लेते के जीरो फिर उसके में आपका के जो है आ, वो आ, एक सौ ट्रिपल जीरो वाला के नहीं होता इजी क्वेश्चन है तीन पॉजिटिव नंबर्स हैं सबसे छोटे और सबसे बड़े का प्रोडक्ट 261 है दो का सम तीसरे के से तीन गुना है देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा उलझाया हुआ है जो पहली सेट ऑफ स्टेटमेंट हमें दिया है दैट सम ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर्स इज थ्री टाइम्स वन ऑफ द नंबर इट जस्ट टेल्स द्री नंबर्स आर इन ए पी क्योंकि अगर ये मिडल नंबर है इसका और इसका सम इसके तीन गुना के बराबर है सो दिस नंबर इज गोइंग टू बी एवरेज विच मीन्स द नंबर्स आर इन ए पी

लेस देन हंड्रेड सो ये वाला स्ट्राइक ऑफ हो गया ये रहेंगे ही रहेंगे और वो जो ऊपर वाली कंडीशन दी है इस कंडीशन से हमें कोई लेना देना नहीं है इट डजेंट मैटर एनी एन एनी डजेंट मैटर राइट बिकॉज थ्री पॉजिटिव नंबर्स एंड वट वी हैव टू सी इज इट विल मैटर ओनली वैन अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँगा नाइन्टी आ गया तो ये फोर्टी फाइव आ जाएगा और यहाँ पे अगर थर्टी एट आ गया ये नाइन्टीन आ जाएगा क्योंकि यहां भी मेरे को भी इंटीजर नहीं दिया है पॉजिटिव नंबर दिए हैं राइट इंटीजर नहीं दिया है उस केस में हो सकता था कि मेरा जो जोड़ है वो एक फोर्टी फाइव पॉइंट समथिंग आ जाता डेसिमल वैल्यू वैल्यू मैं कट कर देता तो इसीलिए आंसर विल बी टू गाइस वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पॉज वीडियो सॉल्व इट फॉर टाइम देन कम बैक ओके okay. क्या भाई इस क्वेश्चन में आपके पास 128 बॉक्स हैं और हर बॉक्स में कम से कम 120 और ज्यादा से ज्यादा एक सौ चौतालीस ऑरेंजेस हैं द लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सिस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज़ नाओ द लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सिस दैट इज रिक्वायर्ड टेन सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस ना अब ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता यार पूछ क्या रहा है ये कह रहा है कि बेटा मेरे पास बहुत सारे बॉक्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है एक बॉक्स में मेरे कम से कम एक सौ बीस हो सकते हैं एक मैक्सिमम एक सौ चौतालीस ऑरेंजेस कितने भी हो सकते हैं तो बेसिकली आई हैव ट्वेंटी फाइव नंबर फॉर ईच ऑफ द बॉक्स पच्चीस में से कोई भी नंबर हो सकता है तो मैं क्या करूँगा कि यार पहले पच्चीस डब्बे जो हैं ऑल विल हैव यूनिक नंबर ऑफ ऑरेंजेस बट जो उसके बाद वाले पच्चीस हैं उसको मैं डबल 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 कर दूंगा मतलब मान लीजिए एक सौ बीस वाला एक डब्बा था एक सौ इक्कीस वाला एक डब्बा था ऐसे वन फोर्टी फोर वाले पच्चीस डब्बे हो गए ऐसे ऐसे करके मेरे पाँच लेयर्स लग जाएंगी राइट फाइव लेयर्स विल गिव मी वन ट्वेंटी फाइव बॉक्सेस 125 बॉक्सेस हो गए जिसमें हर के पांच पांच हैं मेरे पास ठीक है भाई अब पांच पांच हैं तो जो तीन बॉक्स बच गए किसी ना किसी नंबर के तो करने ही पड़ेंगे तो मेरे पास कम से कम एक नंबर के सेम नंबर ऑरेंजेस वाले बॉक्स कितने हो गए छह हो गए राइट सो जैसे ये मैंने 120 सभी बॉक्स 125 बॉक्सेस तक ऑल बॉक्सेस आर फाइव बॉक्सेस ईच ऑफ ईच नंबर राइट नाउ एक सौ बॉक्स होगा वो किसी ना किसी नंबर का बनाना पड़ेगा जो कि उस पर्टिकुलर नंबर का छठा बॉक्स होगा राइट ओके आई होप यू ऑल इंजॉयड लास्ट में बोनस क्वेश्चन एबीसी एक थ्री डिजिट नंबर है ये मैं बोनस क्वेश्चन लास्ट टेक रहा सभी सेक्शंस के बोनस क्वेश्चंस हैं वी विल बी डूइंग ऑन द लास्ट डे राइट तो तब तक आप इसमें टाइम लगा सकते हैं अपना फाइंडिंग दिस राइट आंसर आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर इज एनी वन ऑफ दिस राइट सो बड़ा ध्यान से कीजिएगा